मैंने कहा क्यों तोड़ेंगे, इसका नोटिस है या हाई कोर्ट का ऑर्डर है? कहने लगे नहीं, ये गवर्नमेंट का मामला था, इसके कहते हमारी जमीन जो है ये 100 गज जमीन जो है। यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम वहाँ कोई तोड़ेंगे नहीं, सिर्फ इंस्पेक्शन करेंगे, तो इंस्पेक्शन के नाम पर तोड़ देना तो गलत है और इसके लिए हम रिकॉर्ड पर ला रहे हैं और इनके खिलाफ जो भी कंसर्न ऑफिसर है उसके खिलाफ हम कंप्लेन भी करेंगे, FIR भी करेंगे और यहाँ से नहीं होती तो कोर्ट से करेंगे। क्यों ऐसे तोड़ने तोड़ने देंगे, कोई मस्जिद हम नहीं देने देंगे। ये कह रहे हैं 123 का हिस्सा नहीं है, जबकि मेरे हिसाब से 123 का हिस्सा गजट के हिसाब से भी, नक्शे के हिसाब से भी हमारी मस्जिद का हिस्सा है। ये प्रॉपर्टी जो है 123 में आती है और ये हमारे मस्जिद की प्रॉपर्टी है। आज गलत तरीके से इन्होंने आकर के तोड़ा और मैंने यही बात की है कि भाई देखो, आपके पास कोई कोर्ट का आदेश नहीं था, कुछ नहीं था, कल डेट है इसमें, 123 प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है। वहाँ ये कहकर आए, यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम वहाँ कोई तोड़ेंगे नहीं, सिर्फ इंस्पेक्शन करेंगे, तो इंस्पेक्शन के नाम पर तोड़ देना तो गलत है और इसके लिए हम रिकॉर्ड पर ला रहे हैं और इनके खिलाफ जो भी कंसर्न ऑफिसर है उसके खिलाफ हम कंप्लेन भी करेंगे, FIR भी करेंगे और यहाँ से नहीं होती तो कोर्ट से करेंगे। और अभी हमने कहा है कि भाई इसको काम को आप रोको, तो ये इस बात पर सहमत हैं कि जब तक इसका डिमार्केशन नहीं होता तब तक ये काम को रोके। 121 प्रॉपर्टीज़ में ये भी 123 प्रॉपर्टीज़ में ये भी आता है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई की गई। आपका ये कहना है कि 2-3 दिन पहले इन्होंने कहा था कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, सिर्फ जाकर के। अब ये कहते हैं कि 123 में नहीं, 123 के बाहर का हिस्सा है, तो हमने कहा कोई सबूत दे दो, ऐसा कोई नक्शा दे दो। अगर ये कहते हैं कि 10-15 साल पहले बना था, मैंने कहा कोई उसका सबूत दे दो, अगर 10-15 साल पहले बना था तो कोर्ट का रास्ता इख्तियार करते। तो ऐसे नहीं है, गलत तरीके से इन्होंने किया है और इसके खिलाफ हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। अभी तो डेमोलिशन की कार्रवाई करने के बाद एक बाउंड्री वॉल बना रहे हैं कि जो हमारा हिस्सा है उसको हम अलग नहीं, हमें तो मना कर रहे हैं उसको, अभी ये उस पर सहमत है कि उसको रोकने की बात हो रही है। सुबह सुबह अचानक आया रमजान का महीना, बच्चे अंदर सो रहे थे, निकलने तक सामान तक निकालने का मौका, यही बात मैंने की कि इस वक्त नहीं करना चाहिए आपको। और जब कोर्ट सब जुडिश है, परसों डेट है इसकी, वहाँ से जो फैसला होता है कोर्ट से, फैसला जो भी होगा उसको सब मानेंगे। तो अभी तो जरूरत नहीं, अभी हम इसको रिकॉर्ड पर लेकर आ रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे 100%। क्यों ऐसे तोड़ने देंगे, कोई मस्जिद हम नहीं देने देंगे। ये कह रहे हैं 123 का हिस्सा नहीं है, जबकि मेरे हिसाब से 123 का हिस्सा गजट के हिसाब से भी, नक्शे के हिसाब से भी हमारी मस्जिद का हिस्सा है। ये हम लोगों को तो कुछ नहीं पता, सुबह 6:30 बजे फोन आता है मदरसे से कि यहाँ पर पुलिस फोर्स आई हुई है, लेडीज जेंट्स बहुत लोग आए और इसको तोड़ने के लिए आए। हमारी SHO साहब से बात हुई, हमने SHO से बात करा, उन्होंने SHO ने कहा कि हाँ ये आए तोड़ेंगे थोड़ा बहुत। मैंने कहा क्यों तोड़ेंगे, इसका नोटिस है या हाई कोर्ट के ऑर्डर है? कहने लगे नहीं, ये गवर्नमेंट का मामला था, इसके कहते हैं हमारी जमीन जो है ये 100 गज जमीन जो है। मदरसा तो ये हमारा 40 साल तो हम होगा। अच्छा, 40 साल है? हाँ, 40 साल तो हमें होगा। मस्जिद 200 साल से ज़्यादा पुरानी है। 200 साल ज़्यादा पुरानी है। हाँ, वक्फ बोर्ड से उम्मीद है, चेयरमैन यहाँ आए हैं तो उम्मीद लगी है कि वक्फ बोर्ड हमारी मदद करेगा।